हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो बनाने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एफएसए एंटरटेनमेंट के लिए। और आज हम इसमें दिखाने वाले हैं रेड इगुआना, जिसका साइज है अराउंड 4 फीट। 4 फीट में 1-2 इंच कम होगा मैक्सिमम। बाकी हम अब चलते हैं इगुआना की तरफ, मैं आपको इगुआना दिखाता हूँ। ये है हमारी रेड इगुआना, जो कि काफ़ी जंबो साइज में है, काफ़ी रेयर साइज है। और इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा इसकी कुछ खास बातें। कुछ लोगों का सवाल होता है कि एज अ पेट हम इगुआना रख सकते हैं, तो मेरा जवाब है बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही फ्रेंडली होती है। अगर ये बचपन से साथ रही हुई है, आपने उस हिसाब से ट्रेंड करा हुआ है, तो बिल्कुल आप एज अ पेट इगुआना रख सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं इसकी लेंथ, इसकी टेल की लेंथ देखिए, 4 फीट में 3 इंच कम है ये। ये देखिए इसका ड्रैगन फेस, देखने में बहुत ख़तरनाक लगती है। और अक्सर लोगों का यही सवाल होता है कि ये काटती तो नहीं है, या इसके अंदर रेबिस तो नहीं होता है। इसके अंदर किसी तरीके का कोई जहर नहीं होता है, मैं बताना चाहता हूँ आपको। और ये जहाँ से आती है, ये आती है न्यू मैक्सिको, सेंट्रल ऑफ अमेरिका साइड भी ये पाई जाती है। और आजकल हमारे इंडिया में काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही है इगुआना। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत साइज़ है। इसकी लेंथ जो जाती है मैक्सिमम 5.5 फीट के अराउंड चली जाती है। और ये एग लाए करते हैं, एग देते हैं। देखिए यहाँ जो इसका हेड होता है, इसके हेड पे कहा जाता है कि ये तीसरी आँख कहलाता है। ये मैं आपको एक फोकस करता हूँ, ये देख रहे हैं आप छोटा सा डॉट, ये तीसरी आँख कहलाता है इसका। ये पूरा मॉनिटर करता है यहाँ से ना, दिन है रात है। आप इसको कैसे रख सकते हैं, जो लोग अपने घर में एज अ पेट इगुआना रखना चाहते हैं, तो उस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आपके घर में जहाँ धूप आ रही है आती है, वहाँ इसे रखें तो ज़्यादा बेटर है। अगर धूप नहीं आ सकती है किसी का घर इनडोर, मतलब इस तरीके का है, तो वहाँ पे आप उस कंडीशन में आप यूवीबी बल्ब्स बास्किंग एरियाज के लिए प्रॉपर बना सकते हैं, ताकि इसको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना है। इसको धूप इतनी ज़रूरी है, इसकी जो आप स्किन देख रहे हैं ये मोल्ड करती है, जैसे रेप्टाइल में, ये भी रेप्टाइल्स में आते हैं, और जैसे हमारे स्नेक्स होते हैं उनकी केचुली उतरती है, वैसी इसी तरीके से इनकी भी उतरती है। अभी देखिए सो रहा है, बहुत प्यार सो रहा है। ये एक मेल है, मेल की पहचान बताता हूँ। इसका ये चीज़ काफ़ी हैवी होता है, और नीचे का ये जो ये झालर देख रहे हैं आप, ये फीमेल से काफ़ी बड़ी होती है। और वैसे यहाँ से भी आप इसके लेग्स के नीचे होल्ड के हिसाब से चेक कर सकते हैं मेल फीमेल का डिफरेंस। तो ये खास एफएसए एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो बनाई गई है। ये माशाल्लाह, अभी मैं इसको हाथ पे लेके दिखाऊंगा आपको। इसकी डाइट मैं आपको बताना चाहूँगा, डाइट में ये लेता है खीरा खा, इस पूरे वेजिटेरियन होता है ये, नॉन वेजिटेरियन नहीं कह सकते इसको। और खीरा, गाजर, कद्दू, सांस ले रहा है, तो मेथी, फुल वेजिटेरियन डाइट ये लेता है। और इसके नेल्स काफी शार्प हो रखे हैं। नहीं नीचे नहीं जाना, नीचे नहीं जाना, नीचे नहीं जाना, नीचे नहीं जाना, इधर हो, इधर हो, इधर हो, बस बस बस, ऐसे ही ऐसे रहो, ऐसे रहो। इसके नेल्स काफी शार्प हैं, आप इसके नेल ट्रिम भी कर सकते हैं। अब इसके नेल ट्रिम नहीं है, इसके नेल ट्रिम करेंगे हम तब इसको प्रॉपर हाथ पे ले सकते हैं। इसके नेल काफ़ी ज़्यादा चुभ रहे थे मेरे, इसलिए मुझे उतारना पड़ा इसको। माशाल्लाह, तो इस चीज़ का ख्याल रखें, जब भी आप इसको रखें तो इसको धूप ज़रूर देनी है, डेली रूटीन में ऐड करना है,
उसको धूप देना बहुत ज़रूरी है। अगर धूप नहीं मिलेगी तो जो चीज़ ये खा रहे हैं इन्हें डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं होगी, और डाइजेस्ट नहीं होगी तो ये वीक पड़ेंगे। फ्रूट्स भी ये खाते हैं, एप्पल आप इसे दे सकते हैं, खीरा दे सकते हैं, गाजर दे सकते हैं और बनाना दे सकते हैं, सब कुछ ये ईजिली खाते हैं। चलिए इस वीडियो को अब यहीं हम एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। खुदा हाफिज़।